हाँ तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में बच्चों अल्कोहल दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर H3PO4 है, मतलब इट इज द सोर्स ऑफ एच प्लस। तो क्या होता है, सबसे पहले में प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन के बाद क्या बनाएगा, ये OH2+ बनाएगा, फिर ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव करेगा। आपको पता है कि H3PO4 या H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, जब हम हीटिंग करते हैं, ठीक है, तो ईवन ईवन एलिमिनेशन होता है। कहने का मतलब है कि ईवन एलिमिनेशन के मैकेनिज्म के अंतर्गत जो है यहाँ पर एलिमिनेशन होता है। और आपको पता है कि ईवन रिएक्शन में डिहाइड्रेशन के बाद जो है सबसे पहला नंबर कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन बनाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर CH3 दिया हुआ है। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि जब भी कभी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गया कि रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी उसकी बढ़ रही है कार्बोकेटाइन की, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है अपना रीअरेंजमेंट करेगा। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर गौर से, ये कार्बोकेटाइन अगर इस फिनाइल के पास चला जाए तो उसको बेंजीन रिंग से स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट होने के लिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट जब हम लोग लगाएंगे बच्चों, तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर तो बन जाएगा फिनाइल, यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकेटायन, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, H3PO4, सॉरी CH3। अब उसके बाद जो है बेस, यहाँ पर देखिए H+ जब हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो H2PO4- जो है वो बेस ही तो है। ठीक है, तो उस बेस के प्रेजेंस में जो है यहाँ से क्या होगा, इसके बीटा पोजीशन से, जहां पर कार्बोकेटाइन बना हुआ है उसके बीटा पोजीशन से ये क्या करता है, हाइड्रोजन निकालेगा, कार्बेनायन बनाएगा, और ये कार्बेनायन यहाँ पर जो है रेजोनेंस करने के बाद जो है फाइनली फाइनली जो है आपको एक अल्कीन देगा। और आपको पता है कि सेटजेब अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ वाले पोजिशन पर CH3 इस तरह से होगा। तो बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हर हमेशा ध्यान रखना है, इवन में पहले कार्बोकेटाइन बनाना है। कब, जब मतलब अल्कोहल दिया हुआ हो तो एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, अल्काइल हैलाइड दिया हुआ हो तो वहां से लिविंग ग्रुप को लीव करा के कार्बोकेटाइन बनाइए, रीअरेंजमेंट कीजिए। और अगर E2 रिएक्शन दिया हुआ हो तो स्टेबल प्रोडक्ट के लिए ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में आप क्या कीजिए, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल के देखिए कि कहाँ का कार्बन आयन स्टेबल हो रहा है, तो एलिमिनेशन उधर से ही होगा। ठीक है, तो ये दो मूल मंत्र है जो कि E1 E2 में लगता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पर देखिए मिथॉक्साइड आयन दिया हुआ है और साथ ही साथ मिथेनॉल लिया हुआ है। देखिए जो बेस लिया हुआ है ना, उसी का देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। आपको पता है कि मिथॉक्साइड आयन जो है एक बेस है। ठीक है, और मिथॉक्साइड आयन बना है किससे, इस मिथेनॉल से ही तो बना है। तो सॉल्यूशन इसका ले लिया सॉल्वेंट के रूप में और बेस ये ले लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए अक्सर क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ होता है कि जो बेस के रूप में लिया जाता है उसी का सॉल्वेंट हम लोग ले लेते हैं, ताकि उसका बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये सब बढ़ जाए। खैर जो भी हो, तो कुल मिलाकर यहां पर जो है मिथॉक्साइड आयन जो है एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका हम लोग E2 एलिमिनेशन कराएगा, और E2 एलिमिनेशन में कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो एंटी एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले नंबर हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन बोले तो लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो जहां पर है वो अल्फा पोजीशन, और उसके बगल वाला पोजीशन बीटा, और वो बीटा इधर वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब गौर से सोचिए आप, यहाँ पर चूंकि एंटी एलिमिनेशन है और ये ब्रोमीन जो है प्लेन के ऊपर है, तो इसका मतलब एंटी एलिमिनेशन होने में हाइड्रोजन जो है बीटा पोजिशन पर प्लेन के नीचे होना चाहिए। तो अगर हमने बीटा पोजीशन इसको माना, अगर हमने बीटा पोजीशन इसको माना, ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लेन के नीचे होना चाहिए, मतलब डैश पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है डैश पर ब्रोमीन पहले से ही विराजमान है, मतलब हाइड्रोजन ऊपर है।
तो इस वाले एरिया में तो एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन नहीं हो सकता इस ब्रोमीन के द्वारा, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन यहीं से निकालना होगा, है ना। तो जब आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो फाइनली जो है आपको अल्किन कहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर और ब्रोमीन यहाँ पर, तो यहाँ से ये लीव हो जाएगा और फाइनली आपको डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखेगा। दो मोल लिया हुआ है, बेस के दो मोल है, तो दो मोल इसलिए दिया है क्योंकि एक ब्रोमीन यहाँ भी है। तो देखिए यहाँ पर ब्रोमीन जो है डैश पर है और अभी भी एंटी एलिमिनेशन ही होना है, तो इसका जो बीटा पोजीशन है वो देखिए यहाँ पर है, ठीक है। और बीटा पोजीशन पर जो है अल्फा की कोई कमी तो है नहीं, हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ये बेस क्या करेगा, देखिए यहाँ पर जो है प्लेन के नीचे ब्रोमीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन है, तो एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे है। तो कुल मिलाकर जो है आपको सोचना कुछ भी नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन लीव करा के आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देना है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। देखो तो इस तरह से हमें अभी तक ये मिला है और यहाँ पर एक इपॉक्साइड इपॉक्सी सिस्टम दिया हुआ है। हमें पता है कि ये जो इपॉक्सी है ये एक साइक्लिक ईथर है, ठीक है, और साइक्लिक ईथर आसानी से रिएक्शन करता नहीं, साइक्लिक ईथर आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर इसको प्रोटोन दे दिया जाए, ठीक है, अगर इसका प्रोटोनेशन कर दिया जाए, भाई मिथेनॉल दिया हुआ है तो इसके पास प्रोटोन तो है ही, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा, इथर में एक तरफ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, तो ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड इधर तो बन जाएगा OH, और जिधर बॉन्ड टूटता है वहां पर बनता है कार्बोकेटायन, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी कभी किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है ही, अगर ये कार्बोकेटायन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है तो इस कार्बोकेटायन को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली जो है यहाँ से देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है ही, ठीक है, और ये हाइड्रोजन तो चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये OH है ही, और उसके बाद जो है यहाँ पर गौर से देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी किससे मिलेगा, यहाँ वाले लोन पेयर के द्वारा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको जो है इस प्रकार से यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, बाद में प्रोटोन जो है लीव हो जाएगा यहाँ से, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब अगर आप गौर से देखिए, है ना, तो बेस के प्रेजेंस में हमें पता है कि ये जो कीटोन है ना, बेस के प्रेजेंस में ये जो कीटोन है ये क्या बना सकता है, ये टोटोमेराइज कर सकता है, ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ना, क्यों, यहाँ पर देखिए इसके ठीक बगल वाले पोजिशन पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, बगल वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, और जब अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है तो बेस के प्रेजेंस में ये आराम से टोटोमेराइज करता है। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले नंबर बेस जो है हमारा, वो बेस क्या करेगा, यहाँ से इसको निकालेगा, कार्बन आयन बनाएगा, फिर ये यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ा के आगे, ऐसा करने से फाइनली देखिए यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट मिलने वाला है जिसकी स्टेबिलिटी O- बनेगा और फिर बाद में इसको OH बना दीजिए, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसके सामने कोई भी स्टेबल नहीं है, भाई एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये प्रोडक्ट मिल गया, तो बताइए अब ये प्रोडक्ट फिनोल कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, समझ में आई बात, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में इस तरह से 1-3 पोजीशन पर जो है 1-2-3 1-3 पोजीशन पर डायब्रोमो सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, और जिंक लिया हुआ है। आपको पता है कि जिंक के प्रेजेंस में जो है इस तरह से अल्काइल हैलाइड जो है ये एक प्रकार से फ्रैंकलिन रिएजेंट बनाता है। तो बेसिकली जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आप जानते हैं कि क्या होता है, ब्रोमीन और इस कार्बन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है, यहाँ पर भी वैसे ही कुछ होगा। और फाइनली जो है बच्चों यहाँ से PHCH, यहाँ ब्रोमीन है ही, ठीक है, और CH2, फिर उसके बाद CH2 और यहाँ पर हो जाएगा ZnBr, ठीक है। तो ZnBr के इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और वो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है इस वाले कार्बन पर अटैक करके और यहाँ से ब्रोमीन को लीव कराएगा, ठीक है।
अल्कीन वगैरह इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि आप जानते हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए, ठीक है, अल्फा बीटा पोजीशन पर एलिमिनेशन होता है, समझ गए बात को। तो यहां से देखिए, कहने का मतलब यह है कि ये कार्बन आयन बनाएगा, कार्बन आयन बना के और यहां से इस तरह से जो है ये पीएच और एक प्रकार से साइक्लोप्रोपाइल रिंग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, यहां पर प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बोले तो एसिडिक मीडियम में अल्कोहल का हीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में अल्कोहल का जब हम हीटिंग करते हैं तो ये अल्कीन में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिए, यहां पर जो अल्कोहल है इसका प्रोटोनेशन कीजिए, OH2+ बनाएगा, यहां से लीव करेगा, ठीक है, और यहां से लीव करने के बाद कार्बोकेटाइन यहीं पर बनेगा। ठीक है, तो जहां पर कार्बोकेटाइन बना उसके ठीक बगल वाले पोजीशन पर 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है ही, कोई दिक्कत नहीं, रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी है इसको। तो अब इसके ठीक बगल वाले पोजीशन पर बीटा बीटा वाले मतलब कार्बन से बीटा पोजीशन से जो है हाइड्रोजन निकाल के और यहां पर आपको जो है अल्कीन बन जाएगा। देखिए, एक अल्कीन यहां पर है, एक यहां पर है, इस तरह से बना। फिर उसके बाद देखिए यहां पर क्या होने वाला है, फिर से वही काम कीजिए, H+ है ही और हीटिंग भी है। ठीक है, तो H+ के प्रेजेंस में सबसे पहला नंबर क्या होगा, प्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन होगा तो OH2+ बनाएगा, OH2+ बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां बनेगा कार्बोकेटाइन। जहां पर कार्बोकेटाइन बना है उसके बीटा पोजिशन से ये क्या करेगा, बेस, बेस दिया नहीं है, बेस होता है, ये बेस के प्रेजेंस में ही एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, चाहे दे या नहीं दे ये बात हम मानकर चलेंगे। तो ये बेस क्या करेगा, यहां से इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ कार्बन आयन बनाएगा और ये इस प्रकार से, आप गौर से देखिए तो आपको जो है यहां पर भी डबल बोन, यहाँ डबल बोन और यहाँ तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, और इस तरह का जो है आपको एक बेंजीन रिंग मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों,